नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। उम्मीद से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो आपके स्क्रीन पर है। ये ट्विटर पेज है, ये ट्विटर है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का। आप देख सकते हैं 98 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस बिहार, टेकिंग टोटल नंबर 2968, यानी कि 98 कोरोना पॉजिटिव और बिहार में सामने आए हैं, जिसमें कि अब जो बढ़ा करके संख्या पहुंचा दी है 2968। अब आपको इसके बारे में डिटेल भी बता रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से इन सभी के ट्रेल्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो महज कुछ ही आंकड़े दूर है 3000 के पहुंचने का। पिछले हफ्ते अगर हम बात करें तो ये पिछला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा भयावह रहा है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए जो आंकड़ा दिया गया है बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, उसमें से अरवल, गया, ईस्ट चंपारण, रोहतास, जहानाबाद, सिवान, मधुबनी, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, शिवहर, बेगूसराय और इसके साथ ही साथ रोहतास के सबसे ज़्यादा और मधुबनी के सबसे ज़्यादा मरीज इसमें सामने आए हैं। अगर हम एक बार फुल चार्ट को देख लें तो बिहार में आपको पता चलेगा कि बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या 2968 पहुंच गई है। 800 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक्टिव केसेस 2154, यानी कि 800 बनाम 2154 काफ़ी लंबा आंकड़ा है और अब तक 14 डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से बिहार में। अभी देखिए आप, पटना में 217 मरीज हो चुके हैं, रोहतास में 201, बेगूसराय में 157, मुंगेर में 148, मधुबनी में 176, खगड़िया में 143, कटिहार में 134, बक्सर में 114, जहानाबाद में 109, बांका में 106, गोपालगंज की अगर बात कर लें तो 99, भागलपुर में 95, नालंदा में 91, ईस्ट चंपारण में 83, नवादा में 71, दरभंगा में 66, समस्तीपुर में 66, सिवान में 66, वैशाली में 59 और औरंगाबाद में भी 59 मरीज सामने आ चुके हैं। सुपौल में 55, सहरसा में भी 55, शेखपुरा में 52, गया में 53, कैमूर भभुआ की अगर हम बात करें तो 49 मरीज अब तक मिल चुके हैं, भोजपुर में 47, पूर्णिया में 45, मधेपुरा 43 और सारण भी 43 मरीज सामने आ चुके हैं, वेस्ट चंपारण में 42, सीतामढ़ी में 39, मुजफ्फरपुर में 38, लखीसराय में 32, किशनगंज में 31, जमुई में 29, अरवल में 34, अररिया में 14, शिवहर में 7 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो अगर ऊपर से देखेंगे आप तो पटना में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, उसके बाद रोहतास का नंबर आता है, फिर बेगूसराय और उसके बाद मुंगेर, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार, बक्सर, जहानाबाद और बांका। तो कुल मिलाकर के ये वो जिले थे जिसमें 100 और 200 का आंकड़ा पार हो चुका है। अगर हम टोटल डेथ की बात कर लें तो बिहार में कुल 14 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से, जिसमें पटना में 2, रोहतास में 1, बेगूसराय में 1, मुंगेर में 1, खगड़िया में 2, नालंदा में 1, ईस्ट चंपारण में 1, सिवान में 1, वैशाली में 2, सारण में 1 और सीतामढ़ी में 1 मौत हो चुकी है और कुल रिकवर केसेस जो है वो 800 हैं। अगर हम सिर्फ पटना की हम बात कर लें तो 217 बनाम 74 का आंकड़ा है रिकवर होने का। तो अब जो है रिकवरी रेट जो है काफ़ी दूर चली गई है इन्फेक्टेड लोगों की बनिस्पत। तो ये बिहार में नया आंकड़ा आप देख सकते हैं, 98 नए केस सामने आए हैं और उसके बाद अब जो है मरीजों की संख्या 2968 बिहार में हो चुकी है। तो आप सावधान रहिए क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बिहार में पैर पसार रहा है। अब जबकि लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत दी जा रही है, सड़कों पर ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, इस बीच कोरोना कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।